अस्सलाम वालेकुम, शिराज़ पी के साथ मैं हूँ शिराज़ अहमद शिराजी। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के डी चौक के मुकाम पर मौजूद हूँ। पख्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट यानी PTM के ज़रिए अहतमाम आज कॉल दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर उनका अमन मार्च होगा और उसके लिए मुल्क भर से काफिलों की सूरत में जो PTM के कारकुनान है वो मुख्तलिफ इलाकों से निकलना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त तरनोल के मुकाम पर एक बहुत बड़ा काफिला जो है पहुँच चुका है। पख्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट के मंजूर पश्तीन जो है वो इस काफिले की सरबराही जो है वो कर रहे हैं। इस्लामाबाद में चूँकि 144 नाफिज़ है, यहाँ पर सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात है। इस वक्त भी DCO के मुकाम पर जो पख्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट के कारकुनान है कुछ जो है वो यहाँ पर रैलियों की शक्ल में, टोलियों की शक्ल में यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जो है कुछ कारकुनान इस वक्त मौजूद है। तहम जो कानून नाफिस करने वाले इदारों के अहलकार हैं वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है और उनका यही कहना है कि चूँकि ज़ाहिर बात है एक तो इस्लामाबाद में 144 नाफिस है, उसके अलावा ये रेड जोन है, वहाँ पर इनको जाने की परमिशन जो है वो नहीं दी जाएगी। मैंने बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस अहलकार भी मौजूद है, इसके अलावा एक प्रिजनर वैन जो है वो भी यहाँ पर बुलाई गई है। और अब से कुछ देखकर हमने देखा कि यहाँ पर कुछ जो पख्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट के वर्कर्स थे, कारकुनान थे, उनको यहाँ से गिरफ्तार भी किया गया था। तहम इस सब सिनेरियो में अहम बात यह है कि जो हमारे वजीर दाखिला है उनकी तरफ से बयान भी सामने आया है कि कल रात को जो है इनसे मुज़ाकरात हुए हैं और मुज़ाकरात में ये बात सामने आई है कि जो पख्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट का आज की जो रैली होगी, जो आज का जो प्रोग्राम होगा वो थरनोल के मुकाम पर होगा, इस्लामाबाद वो नहीं आएंगे। लेकिन जो पख्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट के सीनियर कायदीन हैं वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये मौका सामने आ रहा है कि हम इस्लामाबाद की जानिब जाएँगे और आज का जो धरना होगा, जो प्रोटेस्ट हमारा है, वो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही होगा। यहाँ पर इंतजामिया के जो अहलकार हैं वो मौजूद है, वो उनका यही कहना है, यही मानना है कि पख्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट के जो वर्कर्स हैं उनको किसी भी सूरत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना या एहतजाजी मुजाहरा करने जो है वो नहीं देंगे। इस वक्त उन्होंने के मुकाम पर बहुत ही बड़ा काफिला जो है वो इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है। सफ़ेद झंडे वो झंडिया हाथों में लिए अमन के नारे लगाते हुए जो पख्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट के वर्कर है वो इस्लामाबाद की जानिब जो है वो रवा दवा है। लेकिन जगह जगह पर रुकावटें हैं और ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद में नापिस है तो उनको यहाँ पर आने की परमिशन जो है वो नहीं होगी। इस हवाले से जो भी तैयार इस अपडेट लीजिए, आप प्रशांत रहेंगे, याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Thank you.